दोस्तों, नवरात्रि का दिन हो और देवी माँ के दर्शन करने भक्त मंदिर न जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर चाहे उसको जान की बाजी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन नवरात्रि में भक्त अक्सर मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने जरूर जाते हैं। फिर सोचिए, अगर आप देवी माँ के दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं कि तभी आपको कुछ पुलिस वाले मंदिर जाने से रोक देते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये हमको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसने सिर्फ एक भक्त को नहीं बल्कि स्वयं माँ काली को भी क्रोधित कर दिया, और फिर इसके बाद जो हुआ वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले हैं और उनका शुभ नाम है सतीश वर्मा। दोस्तों, सतीश जी बताते हैं कि किस तरीके उस दिन माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर उनको हैरान कर दिया। वो कहते हैं कि ये घटना मेरे जीवन की पहली ऐसी घटना है जिसने मुझे कुछ पल के लिए सदमे में डाल दिया था। दोस्तों, सतीश जी बताते हैं कि वो माँ काली के बहुत अनन्य भक्त हैं। प्रतिदिन नियमित रूप से मंदिर जाकर माँ काली अष्टमी का पाठ करना उनका एक नियम है। वो माँ काली जी की पूजा के बिना किसी भी शुभ कार्य को नहीं करते। दोस्तों, सतीश जी हमको बताते हैं कि ये बात सन 2017 की है, जब वो माँ काली के नवरात्रों में माँ के दर्शन करने मंदिर जा रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पल के लिए तो उनका माँ काली के प्रति विश्वास बहुत ही ज्यादा कम हो गया, और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देखकर वही नहीं बल्कि वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए। दोस्तों, वो हमको आगे बताते हैं कि आज भी मैं हर रोज की तरीके माँ काली के दर्शन करने मंदिर गया था। बस फर्क इतना था कि आज नवरात्रि का त्योहार था और मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से शक्ति कुछ ज्यादा हो रखी थी, जिस वजह से मुझे कुछ पुलिस वालों ने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। आज माँ की नवरात्रि का त्योहार था और मंदिर भी खुला था, मगर पता नहीं उस पुलिस वाले ने मुझको मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया। दोस्तों, मेरा एक नियम है कि जब तक मैं माँ काली के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने दिन की शुरुआत नहीं करता, और आज भी मैं माँ काली के दर्शन किए बिना नहीं जाना चाहता था। मैंने उन पुलिस वालों से कई बार विनती की, मगर फिर भी उन्होंने मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। दोस्तों, मैं मन ही मन काफी उदास होने लगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने माँ के दर्शन ना किए हों। आज भी मैं यही सोचकर माँ के मंदिर आया था। दोस्तों, मुझे करीबन 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया, मगर उन पुलिस वालों ने मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। दोस्तों, मैं पुलिस वालों से विनती करके थक गया और वहीं मंदिर के बाहर बैठ गया। मैंने भी कसम खा ली कि बिना माँ के दर्शन किए आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं वहीं मंदिर के बाहर उस तेज धूप में माँ के नाम का जाप करने लगा। दोस्तों, मुझे माँ का जाप करते हुए कुछ ही क्षण हुए होंगे कि तभी एक महिला कांस्टेबल वहाँ पर आती है और उन पुलिस वालों को खूब डांटने लगती है। कहती है कि तुम जानते हो ये कौन है, ये लड़का रोज इस मंदिर में आकर माँ काली के दर्शन करता है और तभी जाकर अपने दिन की शुरुआत करता है। वो आगे कहती है कि आज के बाद इस लड़के को कभी भी मत रोकना। दोस्तों, वो इतना कहकर मुझे माँ के दर्शन करने के लिए जाने देती है। वापस आने पर मैंने उस महिला पुलिस से पूछ लिया कि आखिर आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो। इसके बाद उनका जो जवाब आया उसे सुनने के लिए तो आज भी मेरे कान तरसते हैं। उन्होंने कहा कि माँ के भक्तों की छवि ही बता देती है कि वो माँ के भक्त हैं। उनकी यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और उनको धन्यवाद करके मैं चला गया। दोस्तों, अगर वो महिला पुलिस आकर मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करवाती तो शायद मैं अभी भी माँ के दर्शन करने के लिए वहीं पर बैठे बैठे तरस रहा होता। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं माँ काली ने मेरी रक्षा करने भेजा हो। मैंने मन ही मन माँ काली को इस अनोखे चमत्कार के लिए धन्यवाद किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो महिला स्वयं माँ काली की ही थी या फिर उनकी कोई दूत, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।